हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया कि निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए तो ये प्रश्न है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान याद, जैसे यहाँ 5 है तो लिखेंगे 5 गुना, और यहाँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 4 है तो 4 गुना, यहाँ नहीं कुछ तो इंटू, इंटू मतलब गुना। उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान है, और सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 होता है, उसे पलट देंगे तो ये सेक 30 का हो जाएगा, यानी 2/√3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस, टेन स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान होता है 1, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहाँ 2 है, ठीक। उसके बाद देखिए तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके बाद हल करते हैं इसे। देखिए तो यहाँ 5 है, तो सबसे पहले चलिए आगे लिखते जाते हैं, यहाँ 5 है तो लिख देते हैं 5 इंटू मतलब गुना, यहाँ है 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 4 गुना 2 का स्क्वायर तो यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर बटा 1/2 है, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ √3 है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बच कितना जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ देखिए तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और बटा में कितना 4, प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर सॉरी 4 गुना 4 तो हो जाता है 16, वही 4 का स्क्वायर, और बटा के नीचे 3, और माइनस कितना 1। अब क्या करना है, 4 का लघुत्तम निकालते हैं, 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाता है 4, 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब करना क्या है आपको, यहाँ देखिए तो 4 3 और नहीं कुछ तो नीचे 1, 4 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाता है 12, 4 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे, 4 3 12 12 को 1 से गुना करेंगे यानी 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 3 बार में लग रहा है तो 5 3 15, प्लस है तो प्लस, 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौक यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में 12 आ जाता है, तो 4 को क्या करेंगे 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 1 से क्या करेंगे 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। उसके बाद मेन बटा तो ये है, तो मेन बटा यहाँ दे दिए, और ये 3 और 1 कितना होता है जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटा के नीचे भी 4, तो इसको राफ साफ यहीं कर देते हैं, 4 से 4 कट गया, बात ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए तो 15 में से 12 को घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 3, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचा, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, और बटा में कितना 12, तो यही इस प्रश्न का आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।